आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। शाम के 6 बज रहे हैं और हम उस बड़ी खबर के साथ फिर हाजिर है जिसका सीधा ताल्लुक रिपोर्टर और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से है। बहुत सारे मेहमान आज हमारे साथ इस पूरे के पूरे मसले और पहलू पर बातचीत करने के लिए जुड़े, लेकिन सबसे पहले वो मामला आपके सामने। एक रिपोर्टर ने की जॉन के लिए मुखबिर, दूसरे रिपोर्टर का जॉन ने कराया मर्डर। देश की सबसे सनसनीखेज साजिश, रिपोर्टर्स का जॉन कनेक्शन। जी हाँ, हम लेकर हाजिर हुए हैं ये बहुत बड़ी खबर। आज इस पर बहुत गहरा डिस्कशन होने वाला है। अजीत अंजुम हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। अजीत जी के साथ साथ बहुत सारे और हमारे खास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन वाकई एक बहुत बड़ी खबर अजीत जी। जी, हम चाहेंगे दर्शकों को कि पहले एक बार दिखाएं तस्वीर, क्या कुछ हुआ मुंबई में, कैसे जिग्ना वोरा नाम की एक जर्नलिस्ट पकड़ी गई। इल्जाम है अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का, इल्जाम है जेडे की हत्याकांड में शामिल होने का, साजिश रचने के पूरे खेल में शामिल होने का। एक रिपोर्टर ने की डॉन की मुखबिरी, दूसरे रिपोर्टर का डॉन ने कराया मर्डर। एक रिपोर्टर ने डॉन के साथ रची साजिश, दूसरे रिपोर्टर की गई जान। देश की सबसे सनसनीखेज साजिश, एक महिला रिपोर्टर पर लगे संगीन आरोप। डॉन के इशारे पर काम करने के आरोप, इस रिपोर्टर को किया मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार। मुंबई से छपने वाले अंग्रेजी अखबार एशियन एज की रिपोर्टर जिग्ना बोरा पर लगा ये इल्जाम अगर सच है तो देश ही नहीं दुनिया की पहली घटना होगी जब किसी रिपोर्टर पर दूसरे रिपोर्टर की हत्या की साजिश में शामिल होने का इल्जाम लगा है। मुंबई की नामचीन क्राइम रिपोर्टर और एशियन एज की डिप्टी ब्यूरो चीफ जिग्ना बोरा पर इल्जाम है कि उसने मिडडे के सीनियर जर्नलिस्ट जेडे के बारे में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को जरूरी सूचनाएं मुहैया कराई और फिर जेडे का दिन दहाड़े मर्डर हो गया। कहा जा रहा है कि जिग्ना बोरा और जेडे के बीच प्रोफेशनल राइवलरी थी, दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे, लेकिन कोई सोच नहीं सकता कि ये प्रोफेशनल राइवलरी इतनी बढ़ जाएगी कि जिग्ना डॉन के लिए मुखबिरी करने लगेगी और जेडे के खिलाफ उसे भड़काने का काम करने लगेगी। मैंने कहा, शुरू से ही कहा, इसके बारे में कोई भी चीज कहना प्रीमैच्योर होगा। जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ प्राइमा फेसी इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमें मिला हुआ है, इसलिए कदम उठाना पड़ा, नहीं तो सहसा हम नहीं करते ऐसे। मुंबई पुलिस की माने तो जिग्ना बोरा ने जेडे के मोटरसाइकिल का नंबर, उसका पता और उसकी फोटो डॉन छोटा राजन को मुहैया कराई थी। छोटा राजन ने इसी का इस्तेमाल करते हुए 11 जून 2011 को जेडे की हत्या करवा दी। पुलिस का दावा है कि जिग्ना और छोटा राजन के बीच हुई बातचीत के ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर जिग्ना का बचना मुश्किल है। जेडे की हत्या के बाद जब सभी अखबार इसके लिए छोटा राजन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तब जिग्ना अपनी खबरों में इस हत्याकांड के लिए दाऊद गैंग का हाथ बता रही थी। जिग्ना की खबरों से भी इस बात का पता चलता है कि वो लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश कर रही थी। जिग्ना पर आरोप है कि उसने छोटा राजन को जेडे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और ईमेल के जरिए मिडडे में छपी कई ऐसी खबरें भेजी जिससे डॉन ये मानने को मजबूर हो जाए कि जेडे उसके खिलाफ खबरें लिखकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। पुलिस कस्टडी मिला हुआ है, डिटेल उनका क्या रोल है नहीं है, अगर रोल होता था तो हम पुलिस कस्टडी लेते नहीं थे ना, यही जानने के लिए पुलिस कस्टडी आ जाता है। तो ये जो पुलिस कस्टडी के दरमियान उनका क्या रोल रहा है या नहीं रहा है, इसकी तफ्तीश की जाएगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि जेडे और जिग्ना बोरा दोनों ही छोटा राजन के करीबी माने जाते हैं। सूत्रों की माने तो छोटा राजन के गुडबुक से जेडे का नाम काटने के लिए ही जिग्ना ने डॉन को भड़काने का काम किया। हालांकि जेडे की हत्या करवाने के बाद छोटा राजन ने माना कि उससे चूक हुई और उसने गलतफहमी में इस पत्रकार की हत्या की सुपारी दे दी।
मुंबई पुलिस को फोन सर्विलांस के जरिए जिग्ना और डॉन के बीच हुई बातचीत का पता चला। फिर कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस जिग्ना तक पहुंच गई। जिग्ना अब पुलिस रिमांड पर है। संकेत पाठक के साथ प्रवीण मिश्रा, मुंबई न्यूज 24। तो क्या एक रिपोर्टर की मुखबरी से दूसरे रिपोर्टर की मौत हुई है? इस पूरे के पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत अंजुम हमारे साथ स्टूडियो में है ही, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ शीला भट्ट बनी हुई हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं कहा जा रहा है, और जानते हैं हम सब कि दाऊद का पहला इंटरव्यू उन्होंने लिया था हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। अनिरुद्ध बहल भी हैं, माइलस्टोन क्रिएट किया है उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की अगर बात करें, एडिटर हैं वो rediff.com के, और हमारे साथ पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए YC पवार भी है, जो कि पूर्व जॉइंट कमिश्नर रह चुके हैं, और हेमंत शर्मा कहा जाए, हेमंत शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, और वो जेडे को भी बहुत करीब से जानते थे और जिग्ना वोरा को भी बहुत करीब से जानते हैं। इन सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शीला जी आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरीके की खबरें आ रही है, जिस तरीके की ये सारी की सारी रिपोर्ट सामने आ रही है, वाकई आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि एक रिपोर्टर की मुखबरी से दूसरे रिपोर्टर की मौत? देखिए, जिग्ना वोरा के लिए बोलना भी मैं सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि उसकी अरेस्ट हुई है, और मैं ज़रूर मानती हूँ कि मुंबई पुलिस ने कुछ देखा होगा, कुछ जाना होगा, और हमें सही नहीं बता रहे हैं। मुंबई पुलिस पूरा ब्यौरा हमें नहीं दे रही है, और वो भी वाजबी है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिग्ना वोरा की अगर अरेस्ट इस जिस ढंग से और जिस कारण से हुई है, तो हमने मैंने 1980 से 1995 तक रिपोर्टिंग क्राइम की है, तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ है जो कुछ भी हुआ है। अगर मुंबई पुलिस को मान लिया जाए, मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जिग्ना वोरा इन्वॉल्व है या नहीं है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, बोलना वाजबी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि इसके बिल्कुल हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से आज हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हम कुछ भी हासिल करने के लिए कितना भी जल्दी दौड़ना चाहते हैं, और हमारी काफ़ी काफ़ी कुछ लोग लक्ष्मण रेखा तोड़ के भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और ख़ास करके क्राइम, पॉलिटिक्स, फिल्म्स, इसमें एक नशा है ये सब रिपोर्टिंग करने का, और वो नशे में काफ़ी लोग काफ़ी हद पार कर जाते हैं। तो मैंने मुझे जिग्ना वोरा के लिए जो मुंबई पुलिस ने ये दो बातें कही है कि उसने एड्रेस और डे की स्कूटर टू व्हीलर की नंबर दिया था, मुझे लग रहा है कि पुलिस इतना कह के चुप रही है, और कुछ और ज्यादा जरूर होगा, इसीलिए अरेस्ट हुई है। शीला भट्ट वरिष्ठ संवाददाता, सीनियर रिपोर्टर, अंडरवर्ल्ड पर काफी खबरें शीला भट्ट ने की है, जैसा कि रूबिका लियाकत ने बताया, किसी जमाने में दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू भी किया था शीला जी ने, उन्हें गहरी जानकारी है। एक बहुत बड़ी बात शीला जी आपने कहा कि जो कुछ हुआ उसमें चौंकाने वाली बात नहीं है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बार अनिरुद्ध बहल से जानना चाहेंगे। अनिरुद्ध, जो खबरें आ रही है बहुत चौंकाने वाली है, चौंकाने वाली ये कि एक रिपोर्टर की मुखबिरी से दूसरे रिपोर्टर का कत्ल होना, दोनों रिपोर्टर के बारे में कहा जा रहा है छोटा राजन से उनके रिश्ते थे, जान पहचान थी, जान पहचान तक तो ठीक है, क्योंकि खबरों के लिए आपको अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी हो सकता है रिश्ता बनाना हो, और उनसे खबरें निकालने के लिए उनके करीब जाने की मजबूरी भी हो सकती है, कई बार पेशेगत मजबूरी हो सकती है, लेकिन क्या ये माना जाए कि जिस ढंग से रिपोर्टर्स अंडरवर्ल्ड के डॉन से बात करते हैं, क्या वो बातचीत, वो रिश्ता इतना अंतरंग भी हो जाता है कि कोई रिपोर्टर मुखबिर बन सकता है और वो मुखबिरी करके किसी अपने साथी के कत्ल की साजिश में शामिल हो सकता है? क्या ये लाइन ब्लर हो गई है क्या पेशे की और मुखबिरी की? अनिरुद्ध, देखिए, ये पॉसिबल तो है, थियोरेटिकली क्यों नहीं पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। कोई हमारे यहाँ देश में कोई लॉ तो है नहीं कि अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे मान लीजिए IB रॉ, कोई देश के नागरिक को भी अपना एजेंट बना सकती है। US यूरोप में ऐसा नहीं है, वो और लोग अपने शायद देश के नागरिक को नहीं बना सकते, यूज़ नहीं कर सकते एसेट के रूप में, लेकिन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो पत्रकार को भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या क्या पता करते हों। आपके US में भी आपने एक देखा होगा कि वो स्टेट डिपार्टमेंट ने काफ़ी पैसे दे के अपने ही जर्नलिस्ट को दिया कॉलम्स वगैरह लिखने को, और यहाँ पर कुछ स्टेट्स में ऐसी ऐसी खबरें आती रही हैं कि ऐसा हो रहा है। और जहाँ तक ये माफिया की बात है, वो भी एक दूसरी तरह का पहलू है। अब आप कोई एक रिपोर्टर या एडिटर अंडरवर्ल्ड कवर करता है, अब शीला भट्ट की तरह जैसे ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, शीला अपेरेंटली यूज टू, मतलब हर एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट थी, करती थी, इन्फॉर्म भी करती थी लोगों को, तो ऐसे अगर रिपोर्टर्स सॉर्ट ऑफ
कवरिंग माफिया अगर कवर कर रहे हैं तो आपको बहुत सतर्क होना पड़ेगा. आपको कभी डेस्परेट नहीं होगा स्टोरी करने के लिए. आपको कभी उनसे दोस्ती नहीं होगी क्योंकि उनसे दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी. तो इस तरह के कई सारे आपको एक हटकंडे आप मानने पड़ेंगे ताकि आप यू डोंट क्रॉस द लाइन जिसे कहते हैं कि एक बार लाइन क्रॉस कर लिया तो फिर आप वो लोग आपको यूज़ करेंगे. आपको यूज़ करेंगे स्टोरीज प्लांट करने के लिए, कहीं से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए. और अगर आप ये भी हो सकता है कि इनोसेंटली कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे सकें जो दूसरों के लिए बहुत ही खतरनाक हो. जी जी अनिरुद्ध, हम आपके पास आएंगे. कुछ आपकी आवाज़ नहीं आ पर. शीला भट्ट जी, फिर एक सवाल जो अभी कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, क्या माना जाए कि जिस ढंग से मुंबई में बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, अंडरवर्ल्ड के लोगों से उनकी बातचीत होती है, कई बार छोटा राजन छोटा शकील के इंटरव्यू होते हैं, और कई बार लगता है कि ये इंटरव्यू शायद उनके निजी रिश्तों की वजह से भी मिलते हैं, और ये कई बार हम मान सकते हैं कि पेशेगत ज़रूरत है एक पत्रकार की, लेकिन जिस ढंग से पूरा वाकया ये पेश आया है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो पुलिस की तरफ से जो सूचनाएँ आ रही है, उससे कहीं संदेह पैदा होता है कि क्या यह रिश्ता कहीं पत्रकारिता का जो लक्ष्मण रेखा है वो लांघकर किसी और रूप में जाता है. क्या इसमें कोई गिव एंड टेक का भी रिश्ता बन जाता है? शीला भट्ट जी, बिल्कुल मैं मानती हूँ अजीत जी, ये बहुत ही गहरा विषय है और बहुत सीरियस है. मुझे लग रहा है आप जिग्ना वोरा और क्राइम अंडरवर्ल्ड के कोई भी माफिया के छोटा राजन की बात कर रही है. बॉम्बे पुलिस उसकी बात छोड़िए, हर पत्रकार फिल्म वालों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, सत्ता में रहने वाले लोगों के साथ पहले दोस्ती बनाता है. एक विश्वास जीतने के लिए वो काफ़ी हद तक बोलता है, उसको अपने संबंध एक ऐसा संबंध बनाना चाहता है ताकि वो जो सत्ता पे बैठा है, जिसके पास सत्ता है, और क्राइम में भी आपको पता है कि सत्ता है, तो वो पहले मन जीतने के लिए दोस्ती बताना है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हद पार कर लेते हैं, और बहुत ही ये स्वाभाविक है. और मुझे याद है जब मैंने दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लिया था, मैं खुद भूल गई थी. दूसरे दिन मैं अपना काम कर रही थी, मैं अपनी नौकरी कर रही थी, लेकिन पूरे समाज में इतने मुझे फ़ोन आए और लोग खुद प्रभावित थे मुझसे. जैसे मुझे शर्म आई ये बात पे कि इतने सारे बिजनेसमैन, इवन पुलिसमैन और कस्टम के अधिकारी सब मुझे फ़ोन कर रहे थे जैसे मैंने कोई बड़ा तीर मारा है. ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि समाज में जो, अगर आज आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं या सचिन तेंदुलकर के घर खाना खाते हैं, या ये अंडरवर्ल्ड या पुलिस या पॉलिटिशियन या मिनिस्टर को जानते हैं, तो आपका भाव बढ़ जाता है. ये शर्म की बात है. शीला जी ये जो आप बात कर रही हैं ये सही है, गंभीर मसला है, लेकिन फिर बात वहीं आती है कि जिस ढंग से मुंबई में हुआ, जिस ढंग से ये पूरा वाकया हुआ, और जो पुलिस के पास जो सबूत हैं, उससे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कहीं या तो जिग्ना वोरा का अंडरवर्ल्ड ने, छोटा राजन ने एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, या फिर प्रोफेशनल राइवलरी क्या इतनी खराब हो गई थी कि उसको एलिमिनेट कराने में पत्रकार शामिल हुआ. हम इस पर बात करेंगे, हालांकि इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है. जब तक पुलिस जांच नहीं करेगी तब तक ये पता चलना मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले भी पुलिस की जांच से कई बार कई चीजें नहीं निकली है. हेमंत शर्मा, एक सवाल संक्षिप्त, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे. सवाल, जितने सबूत हैं जिग्ना वोरा के बारे में पुलिस के पास, मुंबई पुलिस के पास, वो क्या कहते हैं, उस सबूत से क्या पता लगता है, उससे क्या निकल कर सामने आता है? हेमंत. देखिए अजीत जी, जो सबूत हैं मुंबई पुलिस के पास, जिन सबूत की इनकी बात कर रही है, वो उससे एक ये चीज़ बात आ रही है कि कहीं ना कहीं जिग्ना वोरा ने जेडे के बारे में ये छोटा राजन को कहा था कि वो आपके खिलाफ लिख रहे हैं. अब बाकी बाइक का नंबर दिया है नहीं दिया है, बाकी डिटेल दी नहीं दिए, इस बारे में पुलिस भी अभी तक कोई भी बात कहने से साफ तौर पर बच रही है. तो ये लेकिन तय है कि ये निश्चित तौर पर इनकी तरफ से कहा गया, जिग्ना वोरा की तरफ से कहा गया था कि जेडे जो है वो मिड डे में आपके खिलाफ लिखते हैं. चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा. हम जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24.